बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में। मोबाइल चेंज है जी, शायद वीडियो भी हमें आपको कोई चेंजिंग दिखाई दे, यानी कि कुछ रिजल्ट वगैरह में। तो वो पहले वाला मोबाइल मेरा, उसमें थोड़ा मसला बना है जी, कोक की बोतल उसके ऊपर गिरा दी है मैंने, तो वो अभी दिया हुआ है थोड़ा उसको यो हीट वगैरह देने के लिए। तो बहरहाल बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी मैं देख रहा था, पहले तो ये वायरल थी कि 15 फरवरी या 16 फरवरी से चेकिंग शुरू होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, एहतियात कीजिएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। उसके मतलब मैं लाइव कुछ वीडियो भी आपको दिखा चुका हूँ और आप भाइयों को मुकम्मल तफसील के साथ मुकम्मल डिटेल बता भी चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि जो सूरत हाल है वो क्या है और जो हकीकत है वो क्या है, ठीक है। अभी एक और खबर मैं देख रहा था कि कुछ भाइयों के मुंह से भी मैंने सुनी, यहां से खासकर बनी माल की जद्दा वगैरह से, कि जुमेरात, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता और अतवार, आज आप वीडियो देख रहे हैं, सोमवार होगा जी। तो यानी कि पिछले दिनों में, चार पाँच दिनों में, इन लोगों ने इतने बंदे पकड़ लिए, शमेसी जेल फुल हो चुकी है, अभी मजीद ये बंदे नहीं पकड़ेंगे और शमेसी जेल फुल, तो एरा वगैरह जो कुछ भी बोला जा रहा है। तो अभी यानी कि चेकिंग या तो ख़त्म हो गई है या ख़त्म बिल्कुल कम हो चुकी है, ऐसी बातें कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हैं। मैं अभी आपको इसके मतलब थोड़ी बात एक दो क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि 15, 16, 17 फरवरी की बात ही नहीं है, अगर आप पढ़ लिख लें, जब भी आप उनके हाथ लग गए आपको जेल में डालेंगे। दूसरी बात ये कि शमेसी जेल क्या एक ही जद्दा में बची हुई है और जेलें नहीं है? तो अगर उन लोगों ने ऐसे पकड़ाई शुरू की हुई है बकौल इन बंदों के, तो भाई भाई फिर वो छोड़ेंगे नहीं, जो भी हाथ लगेगा शमेसी का और भी जेलों में, चाहे मक्का में उनको ले जाना पड़े, चाहे किसी और जेल में ले जाना पड़े, वो बंदों को ले जाएंगे ज़रूर, ठीक है जी। और जो ऐसी आप न्यूज़ वगैरह या खबरें वगैरह आप खासकर टिकटॉक के ऊपर देखते हैं, तो ये बिल्कुल फेक, इनमें कोई किसी किस्म की सदाकत वाला मामला नहीं है। शमेसी जेल फुल हो, खाली हो, ये एक झूठ है, ऐसे खुद से फैलाया जा रखा है। हाँ, आपको मैं फिर इस वीडियो में फिर ये बात दोहराऊंगा कि चेकिंग पहले जैसी थी वैसी ही है। जो शॉप्स वगैरह हैं, दुकानें हैं, जो अनलीगल कारोबार करते हैं, कफीलों के बगैर कारोबार करते हैं, सज्जल तजारी जो अपनी नहीं करवाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, वो उनको उनकी सख्ती जा रही है, ये उनके ऊपर बैस वगैरह यानी कि खुफिया वो जो तो वगैरह ड्रेस होता है उसमें आकर उनकी चेकिंग करते हैं। अगर आप अनलीगल हैं तो आपके लिए मुश्किल, आप जब भी उनके हाथ लग जाएंगे तो आपको मुश्किल तो होगी। अगर आप अनलीगल नहीं है, आपके कागजात क्लियर हैं कि इकामा वगैरह आपका ओके है और आप कोई भी किसी किस्म का गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो आप जैसे मर्जी बाहर आए जाएँ, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्लियर बात आपके साथ मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी बातों के ऊपर कान मत धरें, अपनी एहतियात करें और अपना काम मत छोड़ें।